कौन सा छंद है? बसंतल का। इष्टोपदेश मिति सम्यगधीत्य धीमान। मानापमान समतां स्वमताद् वितन्य। मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजने वने वा। मुक्ते श्रियं निरुपमामुपयाति भव्यः। पढ़ेंगे पढ़ो। मिति सम आचार्य महाराज, यहाँ अंतिम इस स्टोप देश के अध्ययन से क्या सीख मिलती है ये बता रहे हैं। इष्टोपदेशम माने ये जो ग्रंथ है इष्टोपदेश, इति माने इस प्रकार, सम्यक माने अच्छी तरह से, अधीत्य माने अध्ययन करके, धीमान हे बुद्धिमान पुरुष आत्मा, मानापमान समताम, मान और अपमान में समता को स्वमतात् अपने ही मत माने अपने ही बुद्धि से अपने ही ज्ञान से, वितन्य माने विस्तारित करके, मुक्त आग्रहो आग्रहों से मुक्त हो, विनिवसन सजने वनेवा, चाहे लोगों के बीच में रहना पड़े या वन में रहना पड़े, इन सब के आग्रहों से मुक्त हो। मुक्तिश्रियम निरुपमाम उपयाति भव्य। इस तरह से जो करता है वह भव्य जीव निरुपम मुक्तिश्रियम उपयाति, वह निरुपमाम यानी जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसी वह मुक्ति रूपी लक्ष्मी को वह भव्य जीव प्राप्त कर लेता है। यह इसका अर्थ है। आचार्य महाराज का यहाँ पर यह जो अंतिम भाव है, इसमें जो मुख्य चीज है वह एक तो यह है कि उन्होंने किस प्रकार के जीवों को समझाइश दी है। एक शब्द आया है भव्य जीव। भव्य जीव में ही वह योग्यता होती है जो आत्मज्ञान की ओर उन्मुख होता है। भव्य जीव में ही वह योग्यता होती है जिसको आत्मा के सुख की रुचि उत्पन्न होती है। कोई अगर आपसे पूछे कि भव्य जीव की पहचान क्या है, तो आचार्यों ने लिखा है कि जिसको सिद्धों के सुख की रुचि उत्पन्न होती है वह भव्य जीव है। जिसके मन में ये भाव आता हो कि हाँ सिद्ध सुख ही वास्तविक सुख है, मुक्ति को प्राप्त हुए उन सिद्ध भगवंतों की आत्मा का जो स्वाभाविक सुख है बस वही हमें प्राप्तव्य है, इस प्रकार का भाव, इस प्रकार की रुचि जिनमें आती है उन्हें भव्य जीव कहा जाता है। इसलिए यहां आचार्य कहते हैं आप भव्य जीव ही हैं, ऐसा ही सोच करके हमने आपको उपदेश दिया है ना। और आप धीमान हैं माने बुद्धिमान भी हैं, ना समझों के लिए ये उपदेश नहीं होते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं तो बुद्धिमानी का अर्थ ये होता है किसमें अपना हित है किसमें अपना अहित है, इस प्रकार की समझ जिनमें आ जाती है वो बुद्धिमान कहलाते हैं। तो इस तरह से जो बुद्धिमान भव्य जीव बहुत अच्छे ढंग से इस इष्टोपदेश को पढ़े, अब अच्छा ढंग क्या होता है, सम्यक, सम्यक दर्शन ही नहीं होता, सम्यक ज्ञान ही नहीं होता, पढ़ने का ढंग भी सम्यक होता है। उस सम्यक ढंग से मतलब यह है कि हर तरह से जाने व्यवहार से क्या है, निश्चय से क्या है, अपनी शक्ति को भी पहचाने कि हम कितना अपने मन को संभाल रहे हैं, कितना संभाला जा सकता है, कितना वो संभल नहीं पा रहा है, इस प्रकार के उपदेश में कितना हमारे लिए रुच रहा है कितना नहीं रुच रहा है, ये सब चीजों का जो अच्छी तरह से विचार करता है उसी को कहा जाता है कि उसने बहुत अच्छे ढंग से इस ग्रंथ को पढ़ा, सीखा, समझा, इसका चिंतन किया।
इस तरह से करके अब करने योग्य अगर कोई चीज है तो आचार्य कहते हैं मानापमान समताम स्वमतात वितन्य, एक काम करना सीख लो, एक समत्व भाव की आराधना करो, अपने मन को हमेशा समता में ढालने का पुरुषार्थ करो। और वह समता मुख्य रूप से किस में रखना, तो मान और अपमान के विषय में रखना। यह प्रसंग अक्सर आया करता है हर मनुष्य के जीवन में कि वह अगर भीतर से कभी खेद खिन्न होता है तो वह मान अपमान के माध्यम से ही होता है। इस विषय में जिसको समता रखने का अभाव आ जाता है तो समझ लो उसने सब किसी विषय में समता रख ली। समता रखने के विषय तो और भी हैं, जीवे मरणे लाह लाहे संजोग विपयोग या बंदुर से दुखादु समता में सामायम नाम। आचार्य कहते हैं जीवन के विषय में, मरण के विषय में समता रखो, लाभ अलाभ के विषय में समता रखो, संयोग वियोग के विषय में समता रखो, बंधु और शत्रु के विषय में समता रखो और सुख और दुख के विषय में समता रखो। ये सब समताओं को रखने के अलग अलग जो भाव बताए हैं वो इस एक मानापमान समताम इसमें सब समाहित हो जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति के अंदर जब अन्य विषयों में असमता होती है या विषमता होती है तो उसका कारण यही होता है कि वह भीतर से उसकी मान कसाय किसी ना किसी इच्छा को पैदा करती है, और जब वह उसकी वह इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो वह भीतर ही भीतर अपनी उस मान कसाय के अभाव में इन चीजों से परेशान होता है, चाहे वो सुख दुख में समता की बात हो, चाहे वो जीवन मरण में समता की बात हो। अगर आपका मन मान और अपमान में समान हो गया है तो आपके लिए जीवन मरण कोई चीज ही नहीं बचेगी, क्योंकि जीवन से भी हम जुड़ते हैं तो उसमें भी हमारे अंदर का मान भाव जुड़ जाता है। अभी हम हैं, अपनी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी जानते हो, आइडेंटिटी आइडेंटिटी कार्ड बोला जाता है ना, क्या लिखते हो आप उसमें, पहचान पत्र, बहुत अच्छा नाम दिया है ना, अपनी जो पहचान है उसका पूरा ब्यौरा उसमें लिखा जाता है। और अपनी पहचान हम किस रूप में लिखते हैं, हम फलाने गांव में रहते हैं, हम फलाने चंद जैन हैं, हमारे पिता ये हैं, हमारे घर में ये व्यापार होता है, हमारी उम्र इतनी है, ये जो अपनी आइडेंटिटी है। अब आचार्य कहते हैं कि इस आइडेंटिटी में जब तक तुम रहोगे तब तक तुम कभी भी मान अपमान में समता नहीं रख पाओगे। मान अपमान में समता रखने का मतलब है टू गो बियॉन्ड दिस आइडेंटिटी, इस पहचान से परे हो जाओ, इस पहचान को भूल जाओ। जब तुम इस पहचान से परे हो जाओगे, इस पहचान को भूल जाओगे, तब तुम्हारे अंदर मान अपमान में समता रखने का भाव आएगा। क्योंकि हमारे अंदर विषमता इसी कारण से हो जाती है, हम अगर मनुष्य हैं तो मनुष्यों के बीच में भी हमें सम्मान मिलना चाहिए। कभी कुछ अपमान किसी के द्वारा हो जाता है, कोई भूल चूक हो जाती है तो मन में अपने आप खेद खिन्नता आ जाती है, बहुतों की आ जाती है, ये सबके अंदर आती है। इसीलिए आचार्य महाराज ने एक चीज जो सार रूप में अंत में निकाल के रखी, ऐसा लगता है कि उन्होंने आदमी की नस पकड़ ली, समझ में आता है, जिसे बोलते हैं नस पकड़ लेना, मतलब बीमारी पकड़ में आ गई। ये वो बीमारी है जो बड़े बड़े लोगों से नहीं छूटती, साधकों से भी नहीं छूटती। इसको ही छोड़ने का प्रयास, इसको ही छोड़ने का पुरुषार्थ जिसमें रहता है वह जीव ही आत्म सुख की ओर उन्मुख होता चला जाता है। यूं कहें जैसे जैसे आपके मन में समता बढ़ेगी, समधि माने समबुद्धि बढ़ेगी, मान अपमान के विषय में आप जितना अपने मन को इग्नोर करोगे, मतलब उसमें मन को लगाना नहीं, किसने हमारे लिए अच्छा कह दिया, किसने हमारे लिए बुरा कह दिया, अच्छा कहने से हमारे मन में प्रसन्नता आ गई, बुरा कहने से हमारे मन में वैसा ही भाव आ गया जैसे कि हम वास्तव में बुरे ही बन गए हों। कोई कितना ही बड़ा तपस्वी हो, योगी हो, अगर उससे कोई जाकर के कह दे कि आपकी तो कोई तपस्या है ही नहीं है और आपकी तपस्या बिल्कुल अज्ञानमय है, वह बरसों का भी तपस्वी होगा तो उसके मन के अंदर अगर ये भाव आ गया
कि हमारी तपस्या वास्तव में अज्ञानमय है या हमारी तपस्या दूसरों के लिए कष्टदायक है, तो क्या होगा? उसके मन के अंदर समता का भाव नहीं आया। बुराई सुनने के बाद में भी मन में खेद खिन्नता नहीं आना, अच्छाई सुनने के बाद में भी मन के अंदर हर्ष उत्पन्न नहीं होना, ये एक समत्व की जो आराधना है, ये मनुष्य की सबसे बड़ी दैवत्व की ओर जाने की आराधना है और मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी, द लास्ट वीकनेस ऑफ ए मैन, वो यही है। मान और अपमान के विकल्पों में उलझे रहना, कभी कहीं पर किसी भी कारण से अगर कुछ छोटा मोटा भी व्यवधान मान अपमान में आ जाता है तो बहुत देर तक उसी विषय में मन चिपका रहता है, मन उसी विषय में बार बार जुड़ जुड़ करके अपनी निद्रा भी खो देता है। क्या समझ में आया? भूख भी खो देगा। अगर आपका कहीं कोई किसी भी रूप में कोई इंसल्ट हो गई हो कहीं किसी से, उसकी भावना के बिना भी हो गई हो तो भी आपको लगेगा कि उसने मेरा नाम लिया क्यों नहीं, जरूर उसने मेरे से कोई द्वेष के कारण से मेरा नाम नहीं लिया होगा, लिस्ट में मेरा नाम तो पहले होना चाहिए और लास्ट तक नहीं बोला गया। बहुत बड़ी पीड़ा होती है और इस पीड़ा के कारण से उसे दिन भर ना भूख लगेगी ना रात में नींद आएगी। समझ में आया? भूख उड़ी, रात के चैन उड़े, नींद उड़ी, सब उड़ जाती है। ये मान और अपमान में आचार्य कहते हैं अगर तुमने वास्तव में इष्टोपदेश सीखा तो इस मान अपमान में अब समता रखना, इसको और बढ़ाना, और किससे बढ़ाना? दूसरों से कुछ नहीं होगा, स्वमताद वितन्य, अपने ही मन में विचार बढ़ाओ, अपने ही मन को समझाओ, अपना ही मंतव्य ऐसा बनाओ कि हम अपने ही आप को समझाने में समर्थ होते जाएं और मान अपमान से बिल्कुल अछूते रहते चले जाएं। ये अगर पुरुषार्थ होगा तो आचार्य कहते हैं यही हमारा समता रूप सम्यक चारित्र है। श्रामण्य कहा जाता है, एक श्रमणों का भाव श्रामण्य कहलाता है और वह श्रामण्य भाव इसी समत्व भाव से जुड़ा हुआ है जो सब जगहों पर सब चीजों में समत्व रखता है, उसी का नाम श्रामण्य है। उस श्रामण्य भाव को अगर हम देखें तो यहां सम्यक चारित्र के रूप में कहा जाता है और वही सम्यक चारित्र है जिसमें मन में समता रहे। सम्यक दर्शन क्या है? आप वो सब परिभाषाएं भूल जाओ, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, जीवादि तत्वों का श्रद्धान, क्या समझ में आ रहा? ये अध्यात्म में सम्यक दर्शन इसका नाम है ही नहीं। बताएं क्या होता है सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन का मतलब है द डेप्थ बिलीफ टू इनर ग्लोरियस लाइफ, अपने अंतरंग के आत्मिक जीवन के लिए एक गहरा विश्वास जिसके अंदर आता है उसको अध्यात्म में सम्यक दर्शन कहा जाता है। क्या कहा? अपने अंदर जिसे हम कहते हैं आत्मिक सुख, अपनी आत्मा के लिए उत्पन्न होने वाले सुख और उन सुख के कारणों पर जिसे विश्वास उत्पन्न होता है उसे यहां पर सम्यक दर्शन कहा गया है, उसी को यहां पर बुद्धिमान कहा जाता है जो उन्हीं कारणों को अपनाता है और उन्हीं में अपना मन बार बार लगाता रहता है। और जो इस तरह से सम्यक दर्शन रखेगा उसके लिए जो है अपनी आत्मा का और अपने आत्मा से भिन्न भावों का ये सब ज्ञान रहेगा तो उसका वह ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। जो उसके मन में मान अपमान में समता का परिणाम चलेगा ये उसका वास्तविक चारित्र है और इस चारित्र के माध्यम से क्या होगा? वह मुक्ताग्रहो, उसके अंदर किसी भी प्रकार का आग्रह नहीं रहेगा। क्योंकि आग्रह का मतलब होता है बाहरी वस्तुओं में ऐसा अभिनिवेश धारण करना कि यह ही मैं हूं या यह मेरा है, इस प्रकार के अभिनिवेश को आग्रह कहा जाता है। और वह बाहरी वस्तुओं में जब इस प्रकार का अभिनिवेश छोड़ देता है तो वह आग्रहों से मुक्त होकर के अपनी आत्मा में डूबने का एक पुरुषार्थ करने लग जाता है। जब तक व्यक्ति
बाहरी किसी भी आग्रह से जुड़ा रहता है तब तक वह अध्यात्म का पात्र बनता ही नहीं है। कोई भी धारणाएं हो बाहरी, अगर वो आपके अंदर इतनी आग्रह के रूप में जुड़ गई हैं कि आपको लगे कि यही मेरा है और इसके बिना मैं नहीं हूं, समझ में आ रहा है, तो समझना कि आपके अंदर अब अपनी आत्मा तक पहुंचने की योग्यता नहीं रही। ये बाहरी आग्रह हर प्रकार के छूटने चाहिए, किसी भी विषय में हो जिसमें ये लगे, यहां तक कि मैं अगर दिगंबर हूं तो ये दिगंबर धर्म ही मेरा है, ये धर्म ही मैं हूं, इस प्रकार का आग्रह भी श्रमणों को छोड़ना पड़ता है, तब जाकर के ये मुक्ताग्रह वाला विशेषण उनमें लगता है। क्यों छोड़ना? आचार्य कहते हैं जब आप अध्यात्म ग्रंथ पढ़ोगे, समयसार आदि ग्रंथों में, समाधि तंत्र में आचार्य पूज्यपाद महाराज ने कहा ये लिंग का आग्रह भी छोड़ना। ये लिंग आग्रह माने मैं दिगंबर हूं, दिगंबर भीष को धारण किए हुए हूं, मेरे द्वारा ही ये दिगंबर धर्म चल रहा है, किसी भी प्रकार से इसमें अगर मैं और मेरेपन का भाव आएगा तो आप कभी भी आत्म ध्यान कर ही नहीं पाओगे, आपके मन में समता का भाव आ ही नहीं पाएगा, आपको किसी भी चीज का कोई आग्रह नहीं करना। पंथ अंत तो बहुत दूर की बात हो गई, अपने शरीर के इस दिगंबरत्व का भी आग्रह नहीं करना। और जो इस आग्रह में पड़ गया तो उसके अंदर हमेशा विषमता का भाव बना रहेगा, क्योंकि बाहर जिस चीज में गहराई से जुड़ाव है, जिस चीज का गहराई से आग्रह है, मन बार बार उसी में लगता है, और मन तब तक उस अपनी आत्मा में नहीं लगेगा जब तक बाहर ऐसा भाव ना आए जो हो सो हो हमको क्या। क्या समझ में आ रहा है? जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक ये मन भीतर जाएगा ही नहीं, आंख बंद करके तो बैठ जाएगा लेकिन आग्रहों से मुक्त नहीं हो पाएगा, और जहां पर आग्रह है वहां पर बाहरी चीज से जुड़ाव है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कोई भी बाहरी आग्रह मत रखो, इतनी बड़ी तुम्हारे भीतर संपदा पड़ी है, अगर तुम्हारे अंदर आग्रह बने तो बस इस बात का आग्रह रखो कि मुझे तो अपने मन को मान और अपमान में समतामय बनाना है। बाहरी आग्रह रखोगे मान परेशान करेगा, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं करवा रहा हूं, मेरे द्वारा ये हो रहा है, मेरे द्वारा वो हो रहा है, इस सब मान कसाय में मन उलझा रहेगा, कभी भी आपके मन में समता का भाव आएगा ही नहीं, बल्कि आपको चिंता रहेगी कि कहां कहां हमारा मान सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जहां आपके मान को कहीं ठेस पहुंची तो आपके गहरी तक भीतर तक ठेस पहुंचेगी। ये मान कसाय के इस परिणाम के कारण से समत्व का भाव भीतर नहीं आता। इसलिए आचार्य कह रहे हैं किसी भी प्रकार का आग्रह मत रखो। ये तो जो यहां बताया जा रहा है वो तो इतना बताया जा रहा है कि इतना भी आग्रह मत रखो कि हमें सजनों के बीच में रहना है या वन में रहना है। क्या समझ में आ रहा है? वन का मतलब जहां निर्जन हो, लोग नहीं हो, वहां रहना है कि जहां लोग हैं वहां रहना है, कोई आग्रह नहीं, जहां पहुंच गए वहीं अपने में रहो, क्या फर्क पड़ता, लोग भी होंगे बैठे रहेंगे, वो अपने में बैठे रहे और तुम अपने में बैठे रहो, तब तो आप आग्रह से रहित हुए। ये भी आग्रह मत रखो कि मुझे अब ऐसा ही स्थान चाहिए, मुझे इसी प्रकार के लोग चाहिए या मुझे इसी प्रकार का कोई स्थान चाहिए। वन में भी और सजन, सजन माने सज्जनों के बीच में, सजन माने हां जन से सहित, स्वजन वो भी सजन हो जाता है ना, जो अपना हो उसको हम सजन कहते हैं, है ना, ये शब्द बहुत प्रचलित होता है, सजना सजनी चलता है ना, किस अर्थ में है? सजन माने स्वजन, जो अपना हो उसके लिए वह स्वजन कहलाता है, वो सजन कहलाता है। तो ऐसा आग्रह मत रखो ये मेरे हैं, किसी किसी को इसी में ही आनंद आता है, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, तो इन्हीं के बीच में रहेंगे तो अच्छा होगा, नहीं समझ में आ रहा है? ये भी जिसके अंदर कोई आग्रह नहीं है
उसका मन समता में पड़ा रहेगा, न लोगों का आग्रह हो न स्थान का आग्रह हो। अपने मन को तो इन आग्रहों से जितना जितना मुक्त करोगे उतना उतना आपका मन अपने में समाहित होगा, और जितना जितना मन आत्मा में समाहित होगा मुक्ति उतने उतने अंशों में आपके भीतर उतरती हुई स्वयं दिखाई देगी। ये मुक्ति श्रियम निरुपमाम उपयाति भव्य, वह भव्य जीव ऐसी उस मुक्ति रूपी लक्ष्मी को स्वयं अनुभूत करेगा कि मैं मुक्त हूं। सिद्ध भगवान बनकर के ही मुक्त होता हूं ऐसा नहीं है, साधु भी उस मुक्ति का अनुभव करता है, साधु भी उस सिद्धत्व का अनुभव करता है। क्यों कर लेता है? जिसका मन इस प्रकार के किसी भी आग्रह में नहीं जुड़ा है तो उसका मन हमेशा मुक्त है, उसके लिए कोई बंदिशें नहीं, किसी भी प्रकार के क्लेश नहीं, किसी भी प्रकार के आग्रह नहीं, उसे केवल अपने मन को समता में रखना है। इस इष्टोपदेश का ये अंतिम सार है जो चार लाइनों में यहाँ पर आचार्य महाराज ने बताया है। अभी तक तो आप दो दो लाइनों के श्लोक पढ़ रहे थे, आज चार लाइनों के पढ़ लिया है ना। ये कितना मिष्ट उपदेश है कि अपने मन के अंदर केवल समता को बढ़ाना, बस यही अपना चारित्र बना लेना, बाकी की बाहर की बातें भूल जाना, कोई आग्रह मत करना। अपना वास्तविक चारित्र क्या है? अपनी समता की वृद्धि होना, अपनी बुद्धि में समधि आना, और मन वचन काय तीनों में अपनी बुद्धि जुड़कर के भी समान बनी रहे। बुद्धि जहां समान होगी तो वहां न जीने की इच्छा होगी न मरने की इच्छा होगी, न किसी सुख में कोई लालसा होगी न किसी दुख से कोई विरक्ति होगी, न कोई अपना बंधु होगा न कोई अपना शत्रु होगा, न किसी भी रूप में अपने अंदर सुख होगा न किसी भी रूप में अपने अंदर दुख होगा। क्योंकि ये सब चीजें कहाँ घूमती हैं? जहां मन विषमताओं में घूमता है ये सब चीजें वहीं आसपास घूमती हैं। इसलिए आत्म ध्यान के द्वारा अपने मन के अंदर की जो मूर्छा है उसको दूर करना, ये जो मन के अंदर मूर्छाएं पड़ी हैं दूसरों के माध्यम से अपने अंदर परेशानी उत्पन्न करना, ये मन की सबसे बड़ी मूर्छा है। और इस मन की मूर्छा को जो व्यक्ति दूर करता है तो वह व्यक्ति अपने आप आत्म ध्यान में लीन होता चला जाता है, या यूं कहें कि ये आत्म ध्यान ही मन को मूर्छा से मुक्त करने का एक बहुत बड़ा साधन है, और यही साधन अपने अंदर धीरे धीरे साध्य रूप में भी परिवर्तित होता चला जाता है। इस तरह से ये इष्टोपदेश ग्रंथ बड़े अच्छे भावों के साथ, आप लोगों की अच्छी मानसिकताओं के साथ, अच्छे वातावरण के साथ, बड़े ही निश्चिंतता के साथ, आज क्या है, शनिवार है। हाँ देखो भैया एक बात बोल रहा है, आद्यम समाप्तम शनि भौम वारे, है ना, आज शनिवार है, समाप्ति के दिन में अपने आप शनिवार आ जाए या शुरुआत में शनिवार आ जाए तो अपने आप वो काम मंगल हो जाता है। सब चीज मंगल मंगल है, बस अपने अंदर इन भावों को निरंतर बढ़ाए रखना है। आचार्य महाराज ने इस ग्रंथ का पद्यानुवाद भी किया है, उनके द्वारा लिखी हुई वे चार लाइनें भी आज अंतिम रूप में पढ़ते हैं। सुधी सही इष्टोपदेश का ज्ञान करे अवधान करे, मान पने अपमान पने का समान ही सम्मान करे, निराग्रही मुनि बन वन में या उचित भवन में वास करे, पाले निरुपम मुक्ति संपदा भव्य भवों का नाश करे। इति आशीर्वाद पुष्पांजलि। ये पुष्पांजलि है ना। हाँ बहुत अच्छा भाव किया भैया, पूछ रहा है मुक्ताग्रह का मतलब व्यवहार और निश्चय का भाव भी छोड़ना है ना, क्या ये बात है? तो ये ऐसी ही बात है, व्यवहार और निश्चय का भाव भी उसमें छूट जाता है। जो व्यवहार और निश्चय दोनों ही पक्षपात हैं, है ना, ये आचार्य कुंदकुंद देव ने भी लिखा नए पक्ष अधिकंतो, है ना,
जो नए पक्ष से अतिक्रांत हो गया है, माने जहां पर ये नयों का पक्ष भी नहीं रहता वहीं पर आत्म ध्यान होता है। उदयति न नय श्री रस्तमेति प्रमाणम, जहां पर नयों की यह श्री लक्ष्मी भी उदय को प्राप्त नहीं होती कि हम कौन से नए से क्या सोच रहे हैं, किस नए में हैं, इस प्रकार का भी जहां विकल्प नहीं रहता उसका नाम है नए के पक्षपात से रहित होना। तो वास्तव में आत्म ध्यान पर न तो व्यवहार न रहता है न निश्चय न रहता है। निश्चय नय से भी आत्म ध्यान नहीं होता है, निश्चय नय भी छूट जाता है, क्योंकि नय का मतलब है किसी एक अभिप्राय को बताने वाला, और वह उस समय पर पूरी समग्र आत्मा का संवेदन करता है, तो वह किसी भी प्रकार के नयों की ना जानकारी रखता है ना उस नय के माध्यम से अपनी आत्मा का संवेदन करता है। नय तो उस पदार्थ तक पहुंचाने का एक साधन होते हैं, एक ज्ञान कराने का एक माध्यम होते हैं। तो उन नयों से हमने जो वस्तु तत्व को जाना और उस वस्तु का जो स्वरूप था वो तो जब हम लीन होंगे तो वहां पर दोनों ही नए अपने से रहित होंगे। हम उस समय पर किसी भी नए में नहीं, न व्यवहार नए में न निश्चय नए में, इस तरह से नए के पक्षपातों से भी रहित होता है, उसी को समय सार या शुद्ध आत्मा की स्वानुभूति होती है। यह भी आचार्य कुंदकुंद देव का कथन समय सार आदि ग्रंथों में उपलब्ध होता है। तो उन्हीं को अलग अलग शब्दावली के माध्यम से आचार्य जो पूज्यपाद देव हैं उन्होंने इस ग्रंथ में ऐसी क्लिष्ट कोई शब्दावली प्रयुक्त नहीं की जो हमारी समझ में ना आए। अगर यहां पर उन्होंने सम्यक चारित्र भी कहा, सम्यक ज्ञान भी कहा, तो बड़े सीधे शब्दों में आप बुद्धि से सम्यक रूप से इसका अध्ययन करें, आप सम्यक ज्ञानी बन गए। आप अपने आत्म सुख का, मुक्ति लक्ष्मी का बस श्रद्धान करें, आप सम्यक दर्शनी बन गए। आप मान अपमान में समता रखें, आपके अंदर सम्यक चारित्र आ गया। इतने सरल सीधे शब्दों में हमें शायद पूरे जैन दर्शन में कोई ग्रंथ पढ़ने को नहीं मिलता जितना ये स्टोप देश अच्छा लगता है, और इतना स्टोप देश में कोई ऐसी शब्दावली नहीं जो किसी अन्य समाज के समक्ष भी अगर आप इस स्टोप देश ग्रंथ को कभी दे दें, पढ़ें, रखें, तो किसी के लिए कोई आपत्ति वाली बात ही नहीं। प्योर अध्यात्म, जिसके अंदर कहीं पर कोई शब्द ही ऐसा नहीं है कि जिसमें ये छाप आती हो कि ये अरिहंत हैं, कि ये सिद्ध हैं, कि ये मुनि हैं, कि ये जिन हैं, कुछ नहीं। आप करो, जो इस अध्यात्म का पालन करेगा, अध्यात्म का अनुभव करेगा, उसके लिए ये अनुभूतियां होंगी। और अंत अंत में भी उन्होंने भव्य जीव कहकर के ही उन्होंने इसको पूर्ण किया, और वह कोई संज्ञा विशेषण इसमें नहीं लगाना चाह रहे कि तुम श्रावक हो कि श्रवण हो, कोई नहीं, सबके लिए ये अध्यात्म है। इसका जो अनुभव करेगा उसे आनंद आएगा, उसके लिए किसी भी प्रकार के ना जातियों का बंधन है, ना किसी भी प्रकार के कोई पंथों का बंधन है, सब आग्रहों से मुक्त है ये इष्टोप देश। बताओ कोई भी एक श्लोक आया हो जहां पर आपको ऐसा लगा हो कि ये जैनों का ही हो, बताओ कोई भी एक श्लोक, कुछ नहीं। शुरुवात का मंगलाचरण भी बस ज्ञानमय जो हो गए उनको नमस्कार, जिन्होंने अपने कर्मों का नाश कर लिया उनको नमस्कार, और अंत में जिन्होंने उस मुक्ति लक्ष्मी माने जिनकी आत्मा मुक्त हो गई उनके लिए हम यहां पर प्रशंसा कर रहे हैं और उसी की हम प्राप्ति की भावना कर रहे हैं। इतने व्यापक विचार आचार्य पूज्यपाद महाराज के उस पांचवी शताब्दी में रहे, हमें तो ये सोच सोच के आश्चर्य होता है। आज के साधुओं में ये विचार नहीं आ रहे हैं, श्रावकों की बात तो छोड़ो, जो इस प्रकार के विचार अगर रखने लगे तो कोई प्रकार की विषमताएं समाज में ना बढ़ाएं और ना उत्पन्न होने दें। क्या मतलब हमें किसी के किसी धर्म से, किसी के किसी पंथ से, जो जैसा कर रहा है उसको करने दो। अपन को तो बस केवल उसको आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करने का भाव रहे, और यही भाव उसके लिए आत्मकल्याण का भाव है। बस ऐसी आत्म प्रेरणा देने वाले लोग अगर इस धरती पर बढ़ते जाएं तो चारों ओर सुख शांति का वातावरण भी बढ़ता चला जाए, कोई भी प्रकार की अशांतियां आपको मिलेंगी ही नहीं। बस ऐसी ही आत्माओं की वृद्धि हो, ऐसी ही भावनाओं की वृद्धि हो, अपनी तो यही भावना रहती है। इसलिए आज जो ये ग्रंथ पूर्ण हुआ, अब आगे भी कुछ ना कुछ तो शुरू होगा ही, है ना, जो होगा वो आपको बाद में बताया जाएगा, आज इतना ही पर्याप्त है। थोड़ा सा आज इसका उपसंहार है, कुछ भाई बहनों की सभी की इच्छा है, थोड़ा सा ध्यान करने का भाव है, जितना समय बचा है उतना उसमें लगा देते हैं, है ना।
अपनी शारीरिक स्थिति को निर्दोष और सुदृढ़ बनाने के लिए रमो सिद्धारम की मुद्रा लगाएं। रमो सिद्धारम, आगे हाथ करके अंजलि नमः। थोड़ी देर अपनी सांसों पर भी ध्यान दें, अपनी हथेलियों पर ध्यान दें। सिद्ध भगवान हमारी हथेलियों पर विराजमान होते जा रहे हैं। सिद्ध भगवान की शुद्ध शक्तियाँ हमारे हाथों से होते हुए, हमारी बाहों से होते हुए हमारे हृदय में प्रवेश कर रही हैं। हमारी ये अंजलि हृदय की द्योतक होती है। हृदय का आकार भी ऐसा ही होता है। हृदय का इन हाथों से बहुत बड़ा संबंध है। रमो सिद्धारम का मन ही मन स्मरण करें। ज्ञान मुद्रा में सीधे बैठ जाएं। अपने अंगूठे को अपनी तर्जनी से लगा लेना, तीनों उंगलियां सीधी रखना, इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी, दांत मिले हुए, ओठ मिले हुए, मन शांत, मन केवल श्वास के ऊपर, नासा के छिद्रों से आती जाती श्वास पर ध्यान। सारा ध्यान श्वास के पास। गहरी लंबी श्वास। उस श्वास के एक छोर को नाभि तक जाता हुआ देखें, दूसरे छोर को अपने सिर के ऊपरी भाग तक ले जाएं। महसूस करें पहले श्वास जो हम लेते हैं पेट तक जाती है, उसके बाद सिर के ऊपरी भाग तक जाती है, फिर नासिका से बाहर निकलती है। नाभि पर ओम को स्थापित करें और हम को अपने मस्तिष्क पर स्थापित करें। ओम शक्ति का वाचक है और हम शुद्धि का वाचक है। जब ये शक्ति और शुद्धि दोनों मिल जाती हैं तो परम शांति अवतरित होती है। इन दोनों केंद्रों को जागृत करें अपने ही अंतर बल से। ओम अरहम नमः। ॐ अरहं नमः।
ॐ अरहं नमः। गहराई से अपने पूरे शरीर के अंदर होने वाले स्पंदनों को देखें। कहां स्पंदन हो रहा है, मन को अपनी सांस पर टिकाएं। श्वास से अपने शरीर के अंदर भीतरी आत्मा के पास जुड़े हुए कार्मण शरीर तक उस श्वास का संबंध बना हुआ है। तेजस शरीर तक उस श्वास का संबंध बना हुआ है। गहराई से देखने का प्रयास करें, ये श्वास कहाँ से उत्पन्न हो रही है। हर श्वास में पूरा शरीर हिलता है। पूरे शरीर को ऊर्जा, श्वास का जहां संबंध है उस तेजस शरीर से, कार्बन शरीर से मिलती है। पूरे शरीर में वह आत्मा और सूक्ष्म शरीरों का संबंध बना हुआ है। प्रकाश की तरह सिर्फ सूक्ष्म संबंध हम देखने का भीतर से अभ्यास करें। पूरे शरीर में फैले हुए उस आत्मा से, ज्ञान से अपने मन को जोड़ें। मन पूरे शरीर में किसी अदृश्य चीज की खोज में संलग्न है। शरीर के बाहर मन न जाने पाए, शरीर में भी जो सिर्फ प्रकाश, ज्ञान, जो सिर्फ अदृश्य पदार्थ है, उसी की ओर मन बार बार लगता है। उस मन के अंदर शक्ति कम पड़ जाती है, उसे और शक्ति प्रदान करें। ओम नमो अरिहंताणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ॐ नमो आयरियाणम्। ॐ नमो उवच्छायाणम्। ॐ नमो लोये सर्वसाहूणम्। एकदम मन को फिर अपने अंदर ले जाएं, पूरे शरीर के अंदर उस अदृश्य आत्मा का एक साथ अनुभव जोड़।
श्वास श्वास से जुड़ी हुई आत्मा, आत्मा से जुड़े हुए कारमण तेजस शरीर, उससे जुड़ा हुआ यह स्थूल शरीर, मन सिर्फ यहीं पर गति कर रहा है और कहीं नहीं। पूरे शरीर में श्वास का स्पंदन देखते रहें, मन को वहीं पर लगा के रखें। वह श्वास के अलावा, शरीर के स्पंदन के अलावा और कुछ न सोचे। जो भी संवेदना हो उसे समता से सहन करें। सुख दुख का भाव भी समता से देखते रहें। शरीर के किसी भी अंग में होने वाले कष्ट पर भी समत्व का भाव रखें। मन को उस स्थान पर बिठा दें जहां हमें कुछ अनुभव हो रहा हो, कुछ संवेदना हो रही हो, और मन में कोई भाव नहीं, सिर्फ समता। न उससे दूर हटना, न उसको स्वीकार करना, सिर्फ देखना। पूरे शरीर को देखें, जहाँ जैसा अनुभव आ रहा है उसको वैसा ही समता से अनुभव करें। हिलाना नहीं, डुलाना नहीं। परम शांति शक्तिमान मन। ओम अरहम नमः।